वेलकम बैक टू अक्षय दिलेख ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। अब आप लोग सोचोगे कि मैं अब ये इतना कहाँ तैयार हो चुका हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आज लास्ट डे ऑफ फंक्शन है। आई होप आपने पहले दो दिन भी इंजॉय किए हो। तो आज के लास्ट डे है तो हम जाने वाले वहीं पे। सब लोग पहुंच चुके हैं पर बच्चा पार्टी अभी तैयार हो रही है और हम निकल रहे हैं। बस मैं रेडी हूँ, बाकी लोग रेडी हो रहे हैं। सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो भाई एक और सदस्य तैयार हो चुके हैं। नेहा, गुड मॉर्निंग, आर यू रेडी? बस अब उज्जवल तैयार हो रहा है, बाकी सब तैयार हो चुके हैं। वो बेचारा सबसे पहले से एंड में हो गया। उज्जवल ने सोचा था मैं सबसे पहले उठ के नहाऊंगा, पर सब लोग उठ गए तो उसकी बारी सबसे एंड में होगी बेचारे की। पर चलो अब तो हम सब तैयार हो गए, हम निकलते हैं 5 मिनट के अंदर। हाँ। क्योंकि हम कल की तरह लेट नहीं हो सकते। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। और आज का हमारा आउटफिट ये रहेगा मेरा और नेहा का। तो हमने सोचा कि थोड़ा पहाड़ी कल्चर को प्रमोट किया जाए और अपने पहाड़ी इलाके में पहाड़ी फेस्टिवल है, फंक्शन वैसा ही है, तो क्यों ना और पहाड़ी की तरह एंजॉय किया जाए। पहली बार मैंने इतना भारी सूट पहना है, मेरे को खुद भी ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत सिंपल सूट पहनती थी। शायद शादी से पहले सभी पहनते होंगे, पर ये बहुत भारी है, पर अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं आपकी पूरी लुक दिखाए, आप थोड़ा पीछे हो जाओ, आपकी पूरी लुक दिखाता हूँ मैं। तो जी ये है नेहा की पूरी लुक, ये है नेहा का अभी फिलहाल के लिए सूट। अच्छा लग रहा है, पता है, काफी अच्छा लग रहा है। तो अपने बाकी लोग भी हो चुके हैं तैयार और अभी हम सब जाएंगे मंदिर, जितने भी अपने मंदिर है गांव की साइड, और उसके बाद फिर डिस्पर्स हो जाएंगे। आज रुक रहे हो यार? मुश्किल लग रहा है थोड़ा। मुश्किल देखते हैं क्या बनता है। चलो जैसा भी होगा। दिव्यम, आपका क्या प्लान है? मुश्किल है। आप भी जा रहे हो आज? मुश्किल है। तो हम लोग तो कल आएंगे। अच्छा, कल सुबह। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे मम्मी पापा के साथ। अच्छा। फिर सुबह हमने जाना है, फिर मिलेंगे आपको। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो ठीक है, अभी यहाँ से चलते हैं, चलते हैं। गहना होगी पैकिंग? ठीक है ठीक है। नेहा जी गाड़ी मोड़ ले हम अपनी। तो जी हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, तो सोचा कि सबसे पहले अभी खाली पेट भी है तो मंदिर के दर्शन कर ले, फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरे मंदिर जाना है। तो इस मंदिर में मैं और नेहा पहले भी आए, ये हमारे गाँव का अपना मंदिर है। तो जी अपने दर्शन हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अब हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं दिन के 12 बजे बिल्कुल। और हम थोड़ा सा लेट हो गए और बस अब खा के ना फिर हम दूसरे मंदिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लेट कार्यक्रम शुरू होता है। नेहा आपको पता है अब हम इस रास्ते से जाएंगे जो आप देख रहे हो ना, ये वाला रास्ता, ये जाता है गाँव को आगे। कल भी पूछ रही थी और जब हम पिछली बार आए थे तभी मैंने पूछा ये रास्ता। हाँ, क्योंकि पिछली बार जब आपने ब्लॉग बनाया था, हाँ जी, तो आपके मम्मा की फोटो वहाँ पे थी। हाँ, उसके पास। हाँ बिल्कुल सही। तो गए थे आप लोग, तभी मैं पूछ रही थी कि इधर से जाना है हमने। और यहाँ से जाने का ना अलग मजा आता है, पहले जाने का फिर वापस आने का। तो अभी हम यहाँ से ही जाएंगे तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा इस रास्ते का। तो अभी हम चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट तो कर लेना। तो जी हमारी टीम पहुँच चुकी है। अब हमारे पास पुराना किचन तो है नहीं है, तो यहाँ पे हमने किचन बनाया है, इसी में ही सब लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा कुछ खाने का है, खा लो फटाफट, रेडी हो जाओ फटाफट। बिल्कुल, तीनों मम्मी और नेहा जो है ना काम पे लग चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट तो क्या, ब्रंच टाइप है। और दादी आपने खा लिया है? तो जी अपनी टीम हो चुकी है तैयार। चलो भाई, 1 2 3 4 चार सदस्य अपने रेडी है, पांचवा भी तैयार। हाँ जी, तो पीछे तो बहुत सारे तो तैयार ही नहीं हुए अभी तो आधे। आओ भाई, कितना टाइम लगेगा? और अब जो फंक्शन जो है ना शुरू भी हो चुका है, यहाँ तक आवाज आ रही है। तो जी ये है हमारी माता रानी का मंदिर और यहीं पे हमने जाना है। और यहाँ देखो नीचे डांस भी शुरू हो चुका है। तो हम लोग थोड़े से लेट हो गए पर फिर भी हम लोग टाइम पे है। तो बस अब सब लोग इकट्ठे होके फिर निकलते आगे। दो दादी आए और मेरे पीछे, और मेरे पीछे दो चार लोग और आए। तो जो बाकी लोग हैं बस वो थोड़ा सा ही पीछे, जैसे वो लोग आते हैं फिर साथ में चलते आगे, क्योंकि सबसे पहले जाके माता रानी के दर्शन भी करने होते हैं सबको। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, अब हम पहले माता के दर्शन करेंगे, आप सभी को माता रानी के दर्शन। और यहाँ नीचे चला है वो फंक्शन, बस इसके बाद यहीं भी जाएंगे हम, आपको दिखाएंगे क्या चल रहा है। अभी देखो कुछ लोग नाच रहे हैं माला में। Yeah.
तो जी ये है माता रानी का मंदिर और यहाँ पे हमारे देवता महाराज जी आए हैं कल पलकी में। अभी यहाँ से वापस जाएंगे अपने मंदिर को, तो हम सब यहाँ पे भी देवता महाराज के दर्शन करने भी आए। कुल देवता जी है हमारे यहाँ अंदर और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हमारे गांव के। और यहाँ पे अभी तक चल रहा था नाच गाना, बस अब फिर से शुरू हो रहा होगा, थोड़ा सा इन्होंने विराम लिया होगा। और आप देख सकते हैं गाँव के कितने सारे सदस्य और लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो अब हम भी यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं मंदिर के पहले। तो जी अब फिर से तैयारी हो रही है नाचने की, तो थोड़ा सा रेस्ट लिया था, अब शुरू हो जाएगी नाटी, अब शुरू हो जाएगा डांस यहाँ पे। साथ हो रहा है सनसेट और यहाँ पे हमारी समाप्ति हो रही है डांस की। और अब पालकी निकलेगी बाहर और पालकी को नचाते नचाते हम यहाँ से बाय बोलेंगे और फिर चलेंगे अपने घर। तो जी देवता महाराज की पालकी बाहर आ चुकी है। Oh,
औरतें आगे जा रही है यहाँ पे, ये देवता महाराज जी का रास्ता साफ और पवित्र कर रहे हैं। और अभी देवता महाराज जी जाएंगे माता रानी से मिलने, इनको बाय करेंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने मंदिर की तरफ को। तो जी देवता महाराज अब जा रहे हैं वापसी अपने मंदिर। आप सभी पे देवता महाराज जी का आशीर्वाद और देवी माता का भी आशीर्वाद, जय हो। तो इसी तरह से लोग नाचते नाचते मंदिर तक जाएंगे और देवता महाराज को वहीं पे पालकी छोड़ के आएंगे मंदिर वापस। तो इसी के साथ 3 दिन का ये फेस्टिवल दिवाली के बाद का समाप्त होता हुआ, जय माता दी। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। तो जी हम लोग घर वापस आ चुके हैं। नेहा कैसा लगा आपको फंक्शन? मजा आया? आप लोगों का डांस बहुत अच्छा होता है। देखा आपने कितना सारा यूथ इन्वॉल्व हो चुका है अब, और मैक्सिमम यूथ ही होता है जो डांस में होता है। और अच्छी बात है कि मतलब इस तरह का डांस मैंने नहीं देखा था, हमारे साइड नहीं होता है। अच्छा चलो अच्छा है, आपने एंजॉय किया। अब हम लोग भी निकलते हैं घर को। और शिवम उज्जवल ठीक है गाइस? आई थिंक शिमला जा रहे हो यार, अब क्या बताया पता ही नहीं आपको। 10 मिनट में सारा कुछ समझ आ रहा है। चलो हमें 10 मिनट में पता चलेगा, 10 मिनट के लिए हम रुक जाते हैं। कॉफी लगाओ भाई जी आप, अच्छा लगेगा। तो जी ये था हमारा आज का दिन, आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये आप बोल सकते हैं लास्ट डे ऑफ फंक्शन भी था और अच्छे से सब कुछ हो गया। और देवता महाराज भी वापिस चले गए अपने मंदिर, शिवम उज्ज्वल चले गए शिमला, चाचू चाची और दिव्यम भी चले गए शिमला। आते हुए लोग अच्छे लगते हैं, जाते हुए बुरे लगते हैं। और तभी हम आज नहीं गए कि मम्मी पापा बेचारे अकेले रह जाएंगे, तो आज इनके साथ रहते हैं, कल सुबह हम भी चले जाएंगे। कल सुबह जी अपनी बारी भी आ रही है जाने की, जाने के लिए वैसे आज भी जा सकते थे पर इट्स ओके, एक दिन रुक के जाएंगे। सुबह हमारे को जाना है कोटखाई, कोटखाई में भी हमें काम है। तो आप सोच रहे इस ब्लॉग को भी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।